गाइस आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा रेडमी 13C फ़ोन है तो रेडमी 13C फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है तो पावर बटन की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं रेडमी 13C फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं रेडमी 13C फ़ोन में। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि पावर बटन की प्रॉब्लम को कैसे आप ठीक कर सकते हैं रेडमी 13C फ़ोन में, और कैसे आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन्स हैं शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर हमारे फ़ोन में ऑप्शन आता है कि कैसे आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट भी कैसे कर पाएंगे। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको जाना होगा एडिशनल सेटिंग्स पे। तो एडिशनल सेटिंग्स भी ओपन कर लिया अपन ने। फिर आपको इस पे जाना है एक्सेसिबिलिटी पर। एक्सेसिबिलिटी पे जाकर एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे चले जाना है, जिसके जरिए पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली ऑन करते हैं, अलाउ कर देंगे। अलाउ करते ही सेव का ऑप्शन आ जाएगा, जिसके जरिए अलाउ करते ही आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और शॉर्टकट आइकन्स को ऑन कर सकते हैं। सिंपली इस पे जाकर जो भी आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहें तो कर पाएंगे। आप पावर ऑफ पे जाते हैं तो यहाँ पर शॉर्टकट्स आ जाएंगे, जिसके जरिए पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस ऑप्शन के जरिए रीबूट कर सकते हैं एंड आप रीस्टार्ट भी आप कर सकते हैं इस ऑप्शन के जरिए फ़ोन को। एंड आप एयरप्लेन मोड या साइलेंट मोड भी करना चाहें कर सकते हैं, और पावर ऑफ करना चाहें तो कर पाएंगे शॉर्टकट आइकन्स के जरिए। तो इस तरीके से पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ऑटो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं रेडमी 13C फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।